वक्ता कैसा हो कथा सुनाने वाला। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो और वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। ये तीनों शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया गया। इसका तात्पर्य बोले पुरुष ही वक्ता हो, स्त्री वक्ता न हो। स्त्री भागवत कथा सुनावे ये धर्म नहीं है। आज कलयुग है, आप देख रहे हैं कि स्त्रियां भागवत कथा बांच रही हैं, कौन देवी कौन साध्वी, क्या यही धर्म है? सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज हम आपको मिलवाएंगे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से। महाराज जी का कहना है कि व्यास पीठ पर महिलाओं को बैठने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है और इसी मुद्दे पर हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका अखंड मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो श्रीनाथ द्वारा में जो भागवत कथा चल रही है उसके पहले दिन आपने ये कहा कि महिलाओं को व्यास पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। स्वामी जी, इसके पीछे शास्त्रीय विधान क्या है और किन कारणों से महिलाओं को व्यास पीठ पर बैठने से वंचित रखा गया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म के विषय का कोई भी निर्णय धर्मशास्त्र के आधार पर ही होना चाहिए। धर्मशास्त्र के विषय में लोकतंत्र या अन्य संवैधानिक नियम लागू नहीं होते। धर्मशास्त्र में धार्मिक विषयों में धर्मशास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। तो भागवत कथा व्यासपीठ पर बैठकर के सुनाना ये एक धार्मिक कृत्य है और इस धार्मिक कृत्य को कैसे किया जाए धर्मशास्त्र इसके लिए निर्देश करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही पद्म पुराण में श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान का जो विधान बताया है उस विधान में कब कथा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सुनने वाले को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ये सब बताते हुए उसी प्रसंग में यह भी कहा है कि किस व्यक्ति से कथा श्रवण करना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता का लक्षण बताते हुए श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्त कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्प्रिय। भागवत का वक्ता कैसा हो जो व्यासपीठ पर उपदेश करे प्रवचन करे, तो वेद व्यास जी कहते हैं विरक्तो वो विरक्त हो, संसार में उसकी अधिक आसक्ति न हो, संसार से आसक्ति रहित हो, वैष्णव हो भगवान का भक्त हो, विप्रो ब्राह्मण हो। और चौथी विशेषता बताई वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को शुद्ध रूप से पवित्र रूप से परंपरा से उसने अध्ययन किया हो। तो आज जो स्त्री वक्ता व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा सुना रही हैं अगर शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो उनको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि भागवत की कथा का अधिकार ब्राह्मण को और वैष्णव को और जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया उसको है। उस श्लोक में उस प्रसंग में कहीं भी स्त्री की चर्चा नहीं आई। जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं पुल्लिंग शब्द प्रयोग किए गए हैं और पुरुषों के लिए प्रयोग किए गए। और चौथा विशेषण जो कहा गया वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, भागवत की कथा वही सुनावे जो वेद शास्त्र को पढ़ा हो। कारण कि भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो बिना वेद पढ़े कोई भागवत की कथा अगर सुनाता है तो वेद के किन मंत्रों का कहां पर क्या तात्पर्य बताया गया है इसकी संगति वो नहीं बता सकता, इसलिए वेद पढ़ना अनिवार्य है। और स्त्री के लिए वेद पढ़ने का शास्त्रों में सर्वत्र निषेध है। उसका कारण कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार न होने के कारण वेद पढ़ने का स्त्री को अधिकार नहीं है। और जब वो वेद पढ़ नहीं सकती तो वेद की व्याख्या श्रीमद् भागवत को कैसे करेगी, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। स्वामी जी, महिलाओं को जिस समय ये नियम बनाए गए थे उस समय की देशकाल परिस्थितियां विपरीत थीं। आज समय बदल चुका है, अगर महिलाएं वेद शास्त्र नहीं पढ़ेंगी तो उनको अपने जो सनातन धर्म है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और वो अपने बच्चों को जो अपनी संतान है उनको कैसे शिक्षित कर पाएंगी? हाँ, ये प्रश्न आपका एक समसामायिक प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं इसलिए उन नियमों को बदला जाए तो ये नियम धर्म में लागू नहीं होता। धर्म के नियमों को स्थापित करने वाले ऋषि मुनि महात्मा और वेद की वाणी सार्वभौम वाणी है, वो
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जिन ऋषियों ने प्रत्यक्षीकरण किया और सब काल के लिए एक नियम उन्होंने बनाया है। धर्म के कोई भी नियम परिवर्तनशील नहीं है। अगर आज हम उनको देश काल परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन करेंगे तो कल दूसरा परिवर्तन होगा, परसों तीसरा परिवर्तन होगा। इस प्रकार से धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो समाज से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म के नियमों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ करके नियम बनाया है और वो नियम सार्वभौम नियम है और सार्वकालिक है, उसको किसी भी काल में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा प्रश्न जो आपने ये किया कि अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाने के लिए स्त्रियां अगर वेद नहीं पढ़ेंगी तो उनको धर्म की शिक्षा कैसे देंगी, इसी बात पर विचार करके भगवान नारायण ने ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के 18 पुराण की रचना की। पुराणों की कथाओं के माध्यम से उन्हें धर्म का बोध हो जाएगा, उन्हें वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और धर्म का बोध प्राप्त करके वो अपने परिवार को संस्कारित कर सकते हैं। जहां तक भागवत रामायण 18 पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों के विषय में बात है, इन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सबको है, स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। घर में स्त्रियां भागवत को पढ़ें और पढ़ करके उसके उपदेश को ग्रहण करें, अपने बच्चों को संस्कार दें, इसके लिए कोई मना ही नहीं। लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके आधिकारिक रूप से उपदेश करना ये उनका कर्तव्य नहीं। स्वामी जी, आपने कल की कथा के दौरान स्वामी जी ने ये भी कहा कि महिलाओं को संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी, सबसे पहले ये बताइए कि महिलाओं को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि सारे नियम जो बनाए गए, सारे प्रतिबंध जो बनाए गए वो स्त्रियों के विरुद्ध रहे। स्त्रियां विवाह करेंगी तभी उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती हैं। तो स्त्रियों की स्वतंत्रता पे सारे नियम बनाए गए और पुरुषों को हर तरह के नियम से मुक्त रखा गया, यानी वो विवाह ना करें तब भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, वो व्यासपीठ पर भी विराजमान हो सकते हैं, वो संन्यास भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि महिलाएं अगर विवाह नहीं करती हैं या जो संन्यास ग्रहण नहीं कर सकती, इसके बारे में शास्त्रों में क्या तर्क दिया गया है? स्त्रियों को, जहाँ तक आपने ये कहा कि सारे प्रतिबंध स्त्रियों के लिए लगाए गए, ये तो सरासर अस्वीकृत बात है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। सारे प्रतिबंध स्त्री के लिए नहीं लगाए गए, पुरुषों के लिए भी प्रतिबंध हैं। अनाचार व्यभिचार करना पुरुषों के लिए भी निषिद्ध है, वैदिक आचरण के विपरीत आचरण करना पुरुषों के लिए भी निषिद्ध है। लेकिन समाज की व्यवस्था को देखते हुए और स्त्रियां अबला हैं, उनको संरक्षण की आवश्यकता है और स्त्री के संरक्षण से ही परिवार का संरक्षण है, स्त्री के संरक्षण से ही सम्मान और मर्यादा की सुरक्षा है। इन दृष्टियों, इन विचारों को, इन विषयों को देखते हुए ऋषि मुनियों ने स्त्रियों के लिए इन सारे नियमों को बनाया। और जहाँ तक स्त्री के सम्मान की बात है तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में स्त्री को जितना सम्मान दिया गया उतना तो पुरुष को भी सम्मान नहीं दिया गया। स्त्री के नाम के आगे देवी लगाया जाता है, सीता देवी, गीता देवी, लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे राम देवता, कृष्ण देवता नहीं लगाया जाता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, स्त्री को देवता के रूप में स्वीकार किया गया, उनको सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि वेदों में अग्निहोत्र का जहाँ पर विधान है वहाँ पर अगर पुरुष कहीं बाहर चला जाए तो अग्निहोत्र हो जाएगा, लेकिन स्त्री अगर अग्निहोत्र शाला में नहीं बैठेगी तो अग्निहोत्र नहीं हो सकता, इतना स्त्री का महत्व दिया गया है। स्त्री के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। भगवान श्री राम ने सीता जी का जब परित्याग कर दिया उसके बाद स्वर्ण की सीता बना करके उन्होंने यज्ञादि कर्म किया, तो कहीं भी हमारे धर्मशास्त्र में स्त्रियों की अवहेलना नहीं की गई है, न उनका अपमान किया गया है, न उनके सम्मान में कोई कमी की गई और न कोई उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, अपितु एक नियम बनाया गया, उस नियम को, संविधान को पालन किया जाएगा तभी समाज की एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित होगी। आज भी सरकारें जो कानून बनाती हैं उन कानूनों के दायरे में रह करके ही व्यक्ति जो है सुंदर ढंग से जीवन यापन कर सकता, उसी तरह धर्मशास्त्र के भी निश्चित कानून और नियम हैं, उन नियमों का पालन विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक हमको आपको करना चाहिए। और जहाँ तक स्त्री के संन्यास की बात है तो स्त्री के लिए संन्यास का विधान शास्त्र में नहीं है। बार बार मैं इन बातों को कहता हूँ कि धर्म के विषय में धर्मशास्त्र ही प्रमाण है। संन्यास लेना एक धार्मिक कृत्य है जो कि वेदों पुराणों में वर्णित है, तो किसको लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, ये बातें भी शास्त्र में बताई गई, उस बात को भी मानने की आवश्यकता है। केवल हम संन्यास मान लें और संन्यास किसको लेना चाहिए ये बात न माने, कैसे लेना चाहिए न माने, तो उस संन्यास का कोई औचित्य नहीं, उस संन्यास का कोई मतलब नहीं है। रही बात स्त्री के संन्यास की, तो संन्यास का मतलब त्याग है, त्याग करना ही संन्यास है। तो स्त्री के लिए किसी भी त्याग का शास्त्र में विधान नहीं है। वो पुत्र का त्याग करे तब भी उचित नहीं है, पति का त्याग करना स्त्री के लिए शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। और तीसरी बात कि संन्यास लिया क्यों जाता है, संन्यास इसलिए लिया जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए।
तो अगर स्त्री को बिना संन्यास लिए ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो स्त्री को संन्यास में आग्रह रखने की आवश्यकता क्या है। शास्त्र कहता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए पुत्र परिवार के संरक्षण में रह करके सामान्यतया अपना जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर का स्मरण और भगवान की कथा को श्रवण करते हुए ही स्त्री परम पद को प्राप्त कर लेती है, उसे वो गति मिल जाती है जो बड़े बड़े योगियों को मिलती है। तो स्त्री को ये कठिन संन्यास लेने की आवश्यकता ही क्या है। अब रही बात कि इस कलयुग में लोकेष्णा के कारण, समाज में लोकेष्णा प्राप्त करने के कारण धन के लिए अथवा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए संन्यास का कोई स्त्री आडंबर करती है तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है। स्वामी जी, कल की कथा में आपने ये भी कहा था कि महिलाओं को विवाहित होना अनिवार्य है, बिना विवाह के उनको मुक्ति नहीं मिल सकती, स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जबकि पुरुष अविवाहित रह सकता है, तो महिलाएं अविवाहित क्यों नहीं रह सकती हैं? महिलाओं के लिए विवाह अनिवार्य इसलिए है कि जिस प्रकार से पुरुषों के अनेक संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार प्रधान संस्कार माना गया है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूर्ण रूप से संस्कारहीन माने जाते हैं। उसी प्रकार से स्त्री के लिए विवाह संस्कार को ही एक पूर्ण संस्कार माना गया है, और वो संस्कार अगर स्त्री का नहीं हुआ तो वह स्त्री संस्कारहीन मानी जाती है। इस कारण से जिस प्रकार पुरुषों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य है, उसी तरह स्त्री के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य है। बिना विवाह संस्कार के स्त्री को किसी भी धार्मिक कृत्य को करने का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार बिना यज्ञोपवीत संस्कार के पुरुष को वैदिक कर्म, यज्ञ याग आदि कर्म करने का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार बिना विवाह के स्त्री को भी कोई भी धार्मिक कृत्य करने का, यज्ञ याग आदि कर्म करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए स्त्री के लिए विवाह अनिवार्य है, और इतिहास भी प्रमाण है। आज तक कहीं भी कोई स्त्री इस प्रकार से अविवाहित जीवन नहीं व्यतीत की है। जितनी भी स्त्रियाँ हुई हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, चाहे वो सीता हों, रुक्मिणी हों, राधा हों, और भी जितनी भी स्त्रियां हों, सभी ने विवाह किया है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करके एक उत्कर्ष को प्राप्त किया है। इसलिए शास्त्र में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कोई स्त्री अविवाहित रही हो। और जहां तक संन्यास धर्म की बात है, तो जितनी महिलाएं हमारे शास्त्रों में महिलाओं के जो चरित्रों को बताया गया, जो महिलाएं महान महिलाएं हुई जिन्होंने समाज को प्रेरणा दिया अथवा बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, वह भी विवाहित ही थी। कहीं भी किसी अविवाहित महिला की ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो संन्यास धर्म को स्वीकार करके सन्यासिनी बनकर के विचरण करती रही हो। कहीं भी किसी पुराण में ऐसी कोई कथा प्राप्त नहीं होती, अपितु इसके विपरीत कथा प्राप्त होती है। महाभारत के शल्य पर्व में वृद्ध कन्या उपाख्यान नाम का एक उपाख्यान भी है कि एक ऋषि की कन्या ने 80 वर्ष तक विवाह नहीं किया और तप किया, और जब शरीर छोड़कर अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग जाने की तैयारी करती तो नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि तुमने विवाह नहीं किया, इसलिए तुम्हें किसी भी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी। और अंत में 80 वर्ष की अवस्था में उस कन्या ने पाणि ग्रहण किया, विवाह किया। उसका उपाख्यान का नाम ही वृद्ध कन्या का उपाख्यान है, क्योंकि वो वृद्धा हो गई थी और 80 वर्ष की अवस्था में उसने गालो महर्षि के पुत्र के साथ पाणि ग्रहण किया और तब उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। तो ये सारे शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर अगर चिंतन किया जाए तो स्त्री के लिए विवाह शास्त्र की विधि से अनिवार्य है, और विवाह करके गृहस्थ जीवन में रह करके भजन पूजन करना, ईश्वर की आराधना करना, भगवान का भजन करना, कथा श्रवण करना, इन सारे विधानों से स्त्रियों का सहज कल्याण हो जाएगा। उनके लिए किसी जंगल में जाकर संन्यास लेकर के विरक्त जीवन, अविवाहित जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी, अखंड मंथन से बात करने के लिए और इन शास्त्रीय विधानों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी राघवाचार्य जी, आपको अभी बता रहे थे कि किस तरह से महिलाओं के लिए नियम बनाए गए हैं, और ये शास्त्रीय नियम है, इनमें कोई चीज़ें अपनी तरफ से नहीं जोड़ी गई हैं। और जहाँ तक रही भागवत कथा वक्ता की बात, तो महिलाएँ व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी नहीं है, ये शास्त्रीय विधान है, इसमें कोई अपनी तरफ से किसी ने कोई बात नहीं जोड़ी है। और शायद यही वजह है कि किसी भी महिला कथा वक्ता का कोई जिक्र जो है वो पुराणों में, तथा राम कथा के अनेक वक्ताओं की चर्चा पुराण में है। श्री सूत जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई, श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, सनकादिकों ने सुनाई, नारद जी ने कथा सुनाई है, ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई, लवकुश ने कथा सुनाई, लेकिन किसी भी पुराण में, 18 पुराण में या महाभारत ग्रंथ में कहीं भी ऐसी कोई चर्चा नहीं कि कोई स्त्री व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत कथा सुनाई हो। तो इस इतिहास को भी प्रमाण के रूप में हमें लेना चाहिए। हम इतिहास ग्रंथों के इन प्रमाणों के आधार पर ही धर्म का निर्णय करें, धर्म ग्रंथों के आधार पर ही धर्म के विषय का निर्णय करें, तो यही उत्तम होगा।
तो स्वामी जी की जो कथा होती है वो विशुद्ध होती है, जैसे भागवत कथा होती है, स्वामी जी उसमें लगभग लगभग हर श्लोक का वर्णन करते हैं, हर श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ समझाते हैं। और स्वामी जी विशेष रूप से भागवत कथा, वाल्मीकि कथा और भक्तमाल की कथा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। तो आप भी हमारे चैनल पर अखंड मंथन में स्वामी जी की भक्तमाल कथा और वाल्मीकि रामायण और रामकथा का आनंद उठा सकते हैं और उसे सुन सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। नमस्कार।